मेथड्स यूज्ड टू कन्वर्ट पॉइंट रेनफॉल वैल्यूज एट डिफरेंट रेनगोज स्टेशंस इनटू एन एवरेज वैल्यू। डिफरेंट रेनगोज स्टेशंस पर जो हम पॉइंट रेनफॉल कैलकुलेट करते हैं उसकी वैल्यूज को एवरेज वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम तीन मेथड कौन कौन से काम में लेते हैं, अर्थमेटिकल मीन मेथड, थीसन पॉलीगन मेथड और आइसोहाइटल मेथड। ठीक है, इन तीनों मेथड को हम काम में लेते हैं जो पॉइंट रेनफॉल हम रेनगोज स्टेशन पर मीजर करते हैं उसको एवरेज वैल्यू में चेंज करने के लिए। ठीक है, द अर्थमेटिकल मीन मेथड इज ए वेरी क्रूड मेथड एंड इट इज रेयरली यूज। जो अर्थमेटिकल मीन मेथड है वो रेयरली काम में लिया जाता है। ठीक है, थीसन पॉलीगन मेथड इज सुपीरियर टू द अर्थमेटिक एवरेज मेथड एज सम वेटेज इज गिवन टू वेरियस स्टेशंस ऑन ए रेशनल बेसिस। जो थीसन पॉलीगन मेथड है वो अर्थमेटिकल मीन मेथड से अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा जो मेथड है वो होता है आइसोहाइटल मेथड। ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सबसे अच्छा मेथड है क्योंकि इसमें टोपोग्राफी भी कंसीडर की जाती है, इसमें टोपोग्राफी भी कंसीडर की जाती है, इसलिए आइसोहाइटल मेथड सबसे अच्छा होता है। ठीक है, अब आइसोहाइट्स क्या होती हैं। आइसोहाइट्स इज ए लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि आइसोहाइट्स क्या होती हैं, तो आइसोहाइट्स इज ए लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल फॉर ए गिवन इंटरवेल। आइसोहाइट्स आर कंटोर्स ऑफ इक्वल प्रेसिपिटेशन एनालोगियस टू कंटोर लाइंस ऑन ए टोपोग्राफिक मैप। जो आइसोहाइट्स होते हैं वो इक्वल प्रेसिपिटेशन के क्या होते हैं, कंटोर्स होते हैं। इन द आइसोहाइटल मेथड प्रेसिपिटेशन वैल्यूज आर प्लॉटेड एट देयर रेस्पेक्टिव स्टेशंस ऑन ए सूटेबल बेस मैप एंड आइसोहाइट्स आर ड्रॉन टू क्रिएट एन आइसोहाइटल मैप। आइसोहाइटल मैप ड्रॉ करने के लिए आइसोहाइट्स बनाए जाते हैं, और आइसोहाइट्स होते क्या हैं, इक्वल रेनफॉल को मिलाने वाली लाइन होती है आइसोहाइट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इक्वल रेनफॉल को मिलाने वाली लाइन आइसोहाइट होती है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।